तो बताइए स्टूडेंट्स इफ आई एम प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल सो दैट वी मे प्रोसीड अहेड। तो चलिए बढ़ चलते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन के तरफ। यस, आज का सेशन 11 और 12 तारीख के करंट अफेयर्स कवर करेगा। एंड आई एम रियली सॉरी दैट 3 दिन से डिले रहा, सेशन नहीं हो पाया आज। और 13 तारीख और 14 तारीख का सेशन कल हम लोग देखेंगे सुबह में, चिंता मत कीजिए, एक एक करंट अफेयर्स न्यूज़ कवर किए जाएंगे। ओके, तो चलिए बता दीजिए मुझे चैट बॉक्स में स्टूडेंट्स इफ आई एम प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल सो दैट वी मे प्रोसीड अहेड। यस यस, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, कैसे हैं आप सभी लोग बताइए स्टूडेंट्स, ठीक है सब कुछ बताइए। तो चलिए बढ़ चलते हैं स्टूडेंट्स आज के सेशन की तरफ। तो 11-12 तारीख का न्यूज़ आज हम देखने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स एक्सप्रेस के सेशन में, फ्रॉम द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिंट एंड फाइनेंशियल एक्सप्रेस, ऑल द 4 न्यूज़पेपर्स कवर्ड इन टू वन सेशन। यस, 13th एंड 14th में मैंने पहले भी कहा, 13 और 14 तारीख के न्यूज़ यानी आज और कल के न्यूज़ हम लोग कल देखेंगे। इनकन्वीनियंस रिग्रेटेड दैट थोड़ा डिले हो गया, बीच में गैप लग गया है सेशंस में। ओके, बट चलिए, थैंक्स अ लॉट फॉर योर परसिस्टेंस। यस यस, गुड इवनिंग, चलिए देखते हैं आज क्या क्या इंपॉर्टेंट है और थोड़ा पढ़ते हैं। एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इकोनॉमी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, गवर्नेंस के बारे में कुछ न्यूज़, और एक सवाल भी आज मैं दूंगा आप लोगों को होमवर्क के तौर पे, ठीक है। यस, गुड इवनिंग, यस फादर, माई फादर इज़ ओके, पापा ठीक है अभी। थोड़ा दिक्कत हो गई थी परसों, लेकिन अभी सब होपफुली सब कुछ ठीक है। अभी टेस्ट चल रहे हैं एंड ही इज़ एडमिट इन द हॉस्पिटल, बट यस ऑल ऑफ योर गुड विशेज आर विद मी एंड आई नो दैट, एंड सब कुछ ठीक रहेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ चलते हैं आगे। दिस इज डॉक्टर अनुराग, अ पैशनेट यूपीएससी मेंटर एंड एक्सपर्ट इन द फील्ड फॉर द पास्ट 1 डिकेड इन ऑफलाइन मेंटरिंग, पास्ट 2.5 ईयर्स इन ऑनलाइन मेंटरिंग अपॉन वेरियस एड टेक प्लेटफॉर्म्स। इन यूपीएससी हैव अपियर ट्वाइस फॉर द पर्सनैलिटी टेस्ट इन माई 4 अटेम्प्ट्स एंड 4 मेंस। हैव ऑल्सो वर्कड एज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्सेस इन उत्तर प्रदेश स्टेट सिविल सर्विसेज फॉर 3 ईयर्स, आफ्टर विच आई रिजाइन टू परस्यू माई पैशन ऑफ मेंटरिंग द यूपीएससी एस्पिरेंट्स। टेलीग्राम चैनल IAS टॉपर्स मंत्रा पे आकर उठा ले जाइए सेशन का फ्री PDF। और मैं बता दूं, IAS टॉपर्स मंत्रा ने लॉन्च किए वेरियस कोर्सेज फॉर UPSC 2023 एंड 24 एग्जामिनेशंस। इसमें सक्षम मेंटरशिप कोर्स एंड संकल्प टेस्ट सीरीज, ऑल बोथ दीज कोर्सेज फॉर UPSC प्रीलिम्स 2023 आर वेरी पॉपुलर एंड स्टूडेंट्स लाइक कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स लिए हैं कोर्स को, आप लोग चैट बॉक्स में पुट अप कर सकते हैं, हाउ आर यू, आई मीन्स आर यू फाइंडिंग द सेशंस हेल्पफुल, लेट मी नो। तो ये देखिए, 3 दिन सेशन चलता है, सैटरडे, संडे एंड मंडे को, और इसमें संकल्प टेस्ट सीरीज 8,500 रुपये का 17 टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड द ऐप जो प्रारंभ डॉट लाइव एप्लीकेशन पे सब अवेलेबल है विद टेस्ट, और बस क्लासेस का पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है क्लासेस के ऐप का, और बस क्लासेस के ऐप 1 हफ्ते में लॉन्च हो जाना चाहिए, लाइव हो जाना चाहिए ऑन द मोबाइल एप्लीकेशन, एंड देन यू विल फाइंड इट एक्सट्रीमली हेल्पफुल ऐप, द मोस्ट हेल्पफुल मोबाइल एप्लीकेशन फॉर UPSC CSE प्रिपरेशन इन पैन इंडिया। यस दैट्स इट। तो कोई भी डाउट्स हैं संकल्प टेस्ट सीरीज या सक्षम मेंटरशिप कोर्स के लिए, तो 8329637094 7038994388 एंड 7276637094 पर आप संपर्क कर सकते हैं। और फर्दर डिटेल्स मैं फिर से नंबर्स रिपीट कर रहा हूँ, 8329637094 7038899438 और 7276637094। आप किसी पे भी संपर्क कीजिए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, सवाल आपका किल फार हैज़ पुट अप सम क्वेश्चंस अपॉन द चैट बॉक्स, मैं आपके सवाल को आंसर करूंगा, चिंता मत कीजिए। पहले पढ़ चलते हैं, देखते हैं आज के सेशन को पहले, ठीक है। आपको पता है करंट अफेयर्स में हम लोग कैसे सेशन को मींस न्यूज़ को डील करते हैं। फर्स्ट इज डिकोड इंटरलिंक अप्रोच मेंस के लिए, 360 डिग्री अप्रोच प्रीलिम्स के लिए, एंड फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन अप्रोच मेंस के लिए अगेन स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं, तो सबसे पहला न्यूज़ ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने, देखते हैं क्या न्यूज़ है इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। यस, तो द न्यूज़ इज़ फ्रॉम ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, एक चीज़ देखिए, आप नोट कीजिए कि इकोलॉजी एनवायरनमेंट के न्यूज़ ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं आज की तारीख में। नहीं, मुझे बताइए, एक हमारा दौर था इकोलॉजी एनवायरनमेंट के न्यूज़ आते ही नहीं थे। हमारे समय सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ होते थे
इंडियन इकोनॉमी के, मैं बता दूं आपको। और अभी इकोलॉजी एनवायरनमेंट के न्यूज खत्म ही नहीं हो रहे हैं, समाप्त ही नहीं हो रहे हैं, हर रोज कुछ नया कुछ अलग। आइए देखते हैं आज क्या अलग है। यस, तो सबसे पहले एक न्यूज आया, स्टडी शेड्स लाइट ऑन हाउ ब्लैक बक सर्वाइव द चैलेंजेस। ये देखिए, ये ब्लैक बक कुछ याद आया स्टूडेंट्स, मुझे बताइए। ये देखिए, कुछ ब्लैक बक के नाम से कुछ तो याद आया होगा आपको, नहीं याद आया तो मैं याद दिला दूं एक फोटोग्राफ के माध्यम से आप लोगों को, कुछ अब तो याद आया होगा। ये देखिए, मैंने आप लोगों को एक मीम भी शेयर किया था। यस, ये देखिए, दो ब्लैक बक आपस में बात कर रहे हैं, कुछ सोचिए। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यस, तो ब्लैक बक इज फाउंड इन द, कुछ यहाँ डिटेल्स हैं, हम लोग नोट करेंगे स्टूडेंट्स और देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सकता है हमें फॉर प्रिलिम्स आउट फ्रॉम हेयर। यस, फ्रॉम दिस न्यूज। ये देखिए, यस यस, गुड इवनिंग, नमस्कार। यस यस, आइए देखते हैं, सलमान भाई से ब्लैक बक की याद आ जाती है या ब्लैक बक से सलमान भाई की याद आती है, कौन ज्यादा पॉपुलर सेलिब्रिटी है आप देख लीजिए। यस, पॉपुलर सेलिब्रिटी ये होना चाहिए, ये शख्सियत, ये देखिए इस तरफ जो है, ठीक है, बाएं हाथ में जो है आपके, ये देखिए, ठीक है। आइए देखते हैं, ठीक है, उल्टा है वाकई में भारत में। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, अ न्यू स्टडी कंडक्टेड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हैज शेड अ लाइट ऑन हाउ ब्लैक बक इन इंडिया हैव फेयर्ड इन द फेस ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन इंड्यूस्ड चैलेंजेस टू द सर्वाइवल। द ब्लैक बक इज फाउंड ओनली ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये देखिए, और ये नियर थ्रेटेंड है, ठीक है, नियर थ्रेटेंड है, अभी अभी कुछ ज्यादा संख्या कम नहीं हुई है, इसीलिए इनकी नजर इसके ऊपर पड़ गई थी। ये देखिए, नहीं ये देखिए, यहाँ पर बहुत सारे यहाँ दिख रहे हैं ना आप ग्रासलैंड्स में, लेकिन अब दिखेंगे नहीं बहुत दिनों बाद। ये देखिए, 2-4 साल के बाद दिखेंगे नहीं। अभी यहीं से ओरांस का कुछ न्यूज आया था, कुछ याद है, सेक्रेट ग्रोव्स जहाँ ये रहते हैं। अ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी इसका भाई, ये देखिए, कजिन है मेरे हिसाब से रहने में। ये देखिए यहाँ पर, तो ब्लैक बक में मेल्स एंड फीमेल्स के बारे में कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ज्योग्राफिक वेरिएशन अमंग्स देम, लेट्स सी। सो वाइल मेल्स हैव कॉर्कस्क्रू शेप्ड हॉर्न्स एंड ब्लैक टू डार्क, तो ब्लैक टू डार्क ब्राउन कोट्स, द फीमेल्स आर फॉन कलर्ड, द एनिमल्स आर मेनली सीन इन 3 ब्रॉड क्लस्टर्स अक्रॉस इंडिया दैट पर्टेन टू नॉर्थ साउथ एंड ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ साउथ एंड ईस्टर्न रीजन। ये देखिए, 3 तरफ ब्लैक बक्स पाए जा रहे हैं। द जोग्राफिक सेपरेशन एज वेल एज डेंस ह्यूमन हैबिटेशन बिटवीन द क्लस्टर्स वुड बी एक्सपेक्टेड टू मेक इट डिफिकल्ट फॉर देम टू मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। क्या बात है, साफ साफ जोग्राफिक फैक्टर्स आर प्लेइंग अ बिग रोल इन डेवलपमेंट ऑफ अडेप्टिव फीचर्स अमंग्स द ब्लैक बक। मुझे बताइए स्टूडेंट्स, जोग्राफिक फैक्टर्स ने कौन से स्पीसीज पे मैसिव इंपैक्ट किया, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। यस, मुझे बताइए। यस, तो ज्योग्राफिक फैक्टर्स ने क्या इंपैक्ट किया है कीवी के ऊपर। कीवी, कीवी उस फ्रूट को मत लीजिएगा, ठीक है, बर्ड भी होता है कीवी, ठीक है, कीवी से न्यूजीलैंड टीम मत समझिएगा, ठीक है, बर्ड भी होता है, एंड कीवी, ऑस्ट्रिच, एमू, यूकलिप्टस, ऑल द स्पीसीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ठीक है, और एंड डार्विन फिंचेस आई सपोज, जिसपे कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट थियरी आई थी, उस सब में ज्योग्राफिक सेपरेशन वॉज अ बिग बिग इंटीग्रल फैक्टर विच लेड टू डेवलपमेंट ऑफ समथिंग डिस्टिंक्ट फ्रॉम, समथिंग डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अर्लियर स्पीसीज। यस यस, गुड इवनिंग, ये पहला न्यूज है। यस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थोड़े पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अभी ठीक है सब कुछ। आप सभी लोगों की शुभकामनाओं के कारण सब कुछ ठीक है। ये देखिए, द रिसर्चर्स ट्रैक द एनिमल्स ऑन फुट एंड इन व्हीकल्स फ्रॉम डिस्टेंस टू कलेक्ट द सैंपल्स इन द लैब, दे एक्सट्रैक्टेड एंड सीक्वेंस द डीएनए फ्रॉम द, क्या बात है, ये देखिए यहाँ पे डीएनए जीनोम सीक्वेंसिंग रोल प्ले कर रहा है एवोल्यूशन के बारे में जानने में। आप बोलेगा सर ये आप क्यों बता रहे हैं, अगर मैं आपकी जगह पे रहूंगा, अगर कोई सवाल आया साइंस एंड टेक में, बायोटेक के ऊपर या जीनोम सीक्वेंसिंग के ऊपर या डीएनए के ऊपर कुछ एनालिसिस के ऊपर, मैं जरूर से ये न्यूज लिंक करूंगा। डिकोड इंटरलिंक अप्रोच 20 वर्ड्स दैट रिसेंटली द साइंटिस्ट एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर फाइंड फाउंड आउट दिस दिस एंड दिस, दैट्स इट। ये देखिए, और इसके अलावा स्टूडेंट्स ये देखिए यहाँ पर, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर कोई सवाल ये भी आ सकता है, जूलॉजी में, बॉटनी में, एंथ्रोपोलॉजी में, डार्विन के थ्योरी के ऊपर, एंथ्रोपोलॉजी में, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में, डोंट फॉरगेट टू लिंक दिस न्यूज़, ब्लैक बक
ब्लैक बक का अगर स्टेटस देखा जाए प्रीलिम्स के लिए नियर थ्रेटेंड है, ये बहुत ज़्यादा राजस्थान एंड गुजरात में पाया जाता है। ग्रासलैंड्स इसका हैबिटेट है, देखिए ग्रासलैंड्स। मुझे कोई ग्रासलैंड्स के टॉप कार्निवोर का नाम बताएगा अभी चैट बॉक्स में, मुझे बताइए स्टूडेंट्स। टेल मी, तो कोई ग्रासलैंड्स के हैबिटेट, ग्रासलैंड्स हैबिटेट का कोई टॉप कार्निवोर बताएगा जिसका फोटो रहने के लिए यूट्यूब पर वीडियो रहने के लिए मस्त तरीके से तीन यूथ गए थे और वो जानवर दौड़ता दौड़ता आगे पीछे में तीन यूथ। सोचिए क्या कंडीशन हुई होगी, बाद में हैरेसमेंट के चार्जेस लगे हैं उन तीनों लोगों के ऊपर। आई एम टॉकिंग अबाउट एशियाटिक लायन और साथ में एक और चीता नामीबिया से लाया गया अफ्रीकन चीता, जो टॉप कार्निवोर है ग्रासलैंड्स का जानवर है, याद रखिएगा। यस, रॉयल बंगाल टाइगर ग्रासलैंड्स में नहीं रहता है, ठीक है। वो फॉरेस्ट का जानवर मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। इट कैन सर्वाइव इन बोथ द हैबिटेट्स बट इट इज मोर अडेप्टेड टू द फॉरेस्ट, यस दैट्स इट। चलिए चलिए आगे बढ़े स्टूडेंट्स। तो ये ब्लैक बक के बारे में बस इतना, नियर थ्रेटेंड, जीएस के लिए इतना ही काफी है, नियर थ्रेटेंड स्पीसीज, ग्रासलैंड हैबिटेट एंड डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान, यस। ये देखिए, आइए आगे बढ़ जाए। सेकेंड टॉपिक आज का, ओजोन होल फिलिंग अप नाउ, व्हाट दिस मीन्स फॉर क्लाइमेट एक्शन, क्या बात है, नया असेसमेंट हुआ है ओजोन होल के ऊपर। ओजोन होल, ओजोन क्या स्ट्रेटोस्फियर में पाया जाता है स्टूडेंट्स, ये बताइए मुझे चैट बॉक्स में बताइए। आप लोग सभी लोग बहुत तेज हैं, ठीक है, मुझे पता है ये चीज, तुरंत बताइएगा ओजोन का रोल क्या होता है हमारे लिए। यस, तो ओजोन का रोल क्या होता है आप लोग चैट बॉक्स में, सब कोई जितने लोग वॉच कर रहे हैं कुछ ना कुछ पुटअप करेंगे या अपनी कॉपी में लिखेंगे तुरंत अभी। यस, ये देखिए स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है एंड ओजोन में मैसिव डिप्लीशन पाया गया स्टूडेंट्स इन 1981 के आसपास। मैं बता दूं डॉब्सन यूनिट्स में ओजोन ओजोन का मेजरमेंट किया जाता है। डॉब्सन यूनिट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स दिस ईयर, लेट मी टेल यू इन विच यूनिट इज ओजोन मैग्नीट्यूड मेजर्ड, इट्स डॉब्सन यूनिट्स। और इसी को लेकर जब ओजोन होल अपियर किया, ओजोन होल एक तरीके से सही शब्द नहीं है लेकिन फिर भी ये पुटअप किया गया, पता है क्यों? देखिए कभी कभी कितने शब्द जो होते हैं ना लिटरेरी मीनिंग पे मत जाइए, उसका उसको मेंशन करने के पीछे रीजन देखिए। ओजोन होल एक ऐसा एक शब्द था जो एक पूरे ग्लोबल कम्युनिटी के ऊपर पुटअप करता है, एक प्रेशर होल हो गया है ओजोन में, इसका मतलब है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आ जाएंगे नीचे, स्किन डिजीज कॉज करेंगे, स्किन कैंसर कॉज करेंगे, इमरजेंसी कंडीशन है, पैनिक कर रहा है सब कुछ, और इसी में इंसान पैनिक करेगा और स्टेप लेगा, इसीलिए ओजोन होल एंड स्टेप्स वर टेकन इन द फॉर्म ऑफ वियना कन्वेंशन 1985, सुना है आपने 1985 का, और बाद में साइन किया गया इसी कन्वेंशन पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये देखिए 1987, कन्वेंशन और प्रोटोकॉल में फर्क मैंने बताया है आपको स्टूडेंट्स। ये देखिए अल्ट्रा वायलेट रेज में भी तीन प्रकार होते हैं, अल्ट्रा वायलेट ए बी सी, देखिएगा कौन से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आपका, ये होमवर्क है। स्टॉप सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं एंड सेकंड पॉइंट, क्या यूवी रेडिएशन सैनिटाइजेशन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं क्या? कोविड के समय कोई न्यूज आया था आज से 2 साल पहले और मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ में, अगर आप लोग मुझे 2 साल से वॉच कर रहे हैं तो दैट्स इट। तो ओजोन होल के ऊपर मैं बता दूं स्टूडेंट्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के इस्तेमाल से, सीएफसीज का इस्तेमाल होता है रेफ्रिजरेंट्स में और एयर कंडीशनर्स में, एग्री कर रहे हैं? ये देखिए एयर कंडीशनर्स में अभी जस्ट रेफ्रिजरेटर को लेकर लास्ट वीक न्यूज़ आया है, महंगे होने वाले हैं फ्रिज एंड रेफ्रिजरेटर, क्यों? क्या 5-स्टार रेटिंग सिस्टम अलग से आएगा जो दिस रेफ्रिजरेटर के रिमेनिंग बॉडी के लिए अलग से आएगा रेटिंग सिस्टम एंड जो द फ्रीजर है उसके लिए अलग से रेटिंग सिस्टम आने की बात है। यस, ये देखिए, तो ये देखिए यहाँ पर उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इस्तेमाल होते हैं एंड सीएफसीज में, ये देखिए दिस क्लोरीन होता है, फ्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, ये देखिए, ठीक है, ये सब पता है नेसेंट एटम्स होते हैं, नेसेंट एटम्स दिस दे रिएक्ट विद ओजोन, ओजोन इज O3 प्लस क्लोरीन, ये देखिए ये बिकम्स O2 प्लस CLO, CLO फिर ब्रेक करके CL प्लस O बनता है, ये देखिए वो बनता है, फिर से सीएल एक नया मॉलिक्यूल ओजोन का किल करता है। मैं बता दूं ये सब डायनामिक प्रोसेस है लेकिन जितना क्लोरीन नेसेंट क्लोरीन रहेगा स्ट्रेटोस्फीयर में उतनी परेशानी होगी। कहते हैं एक क्लोरीन 725 ओजोन एटम्स को डिस्ट्रॉय करता है अपने
अपने जर्नी में फ्रॉम ट्रोपोस्फियर टू स्ट्रेटोस्फियर। सोचिए, एक एटम 725 एटम डिस्ट्रॉय कर रहा है ऑन इट्स जर्नी फ्रॉम द ट्रोपोस्फियर इनटू द स्ट्रेटोस्फियर। दैट्स इट, ये देखिए। और यही वजह स्टूडेंट्स की ओजोन मींस एक क्लोरीन एटम, इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल ब्रेकडाउन, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रक्शन। यस, तो यही देखिए, ओजोन होल वंस कंसीडर टू बी द ग्रेवेस्ट डेंजर टू प्लानिटरी लाइफ इज नाउ एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटली रिपेयर्ड बाई 2066। अगर इस समय तक सब कोई बचा तो, ये देखिए, अ साइंटिफिक असेसमेंट हैज सजेस्टेड, इनफैक्ट इट इज ओनली द ओजोन लेयर ओवर अंटार्कटिका वेयर द होल इज द मोस्ट प्रोमिनेंट, जहां पर थिनिंग ज्यादा है, विच विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू हील कंप्लीटली। ओवर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड द ओजोन लेयर इज एक्सपेक्टेड टू बी बैक टू वेयर इट वॉज इन 1980, बाय 2040 इट सेल्फ अ यूएन बैक्ड साइंटिफिक पैनल हैज रिपोर्टेड। ये देखिए, यूएन बैक्ड साइंटिफिक पैनल कौन सा है भाई, मुझे बताइए कौन सा पैनल है जो साइंटिफिक, जो यूएन के लिए क्लाइमेट चेंज के ऊपर डिस्कशन करता है, और उसे मिला है शायद नोबेल पीस प्राइज दिया गया था 2007 में। उस समय कोई इंडियन लीड कर रहे थे उस ऑर्गेनाइजेशन को, शायद वो असेसमेंट रिपोर्ट्स निकालता है, उसका शायद सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट्स निकाला गया है जस्ट लास्ट ईयर। यस, और इस बार वो एक्सपेक्टेड है 2023 के एग्जामिनेशन में। रिकवरी ऑफ द ओजोन लेयर हैज बीन मेड पॉसिबल बाय द सक्सेसफुल एलिमिनेशन ऑफ सम हार्मफुल इंडस्ट्रियल केमिकल्स टुगेदर रेफर टू एज ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस इज ओडीएस थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 1989 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये देखिए, इट्स आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी। 10 बार मैंने बताया 1988 में बनाया गया था, डब्ल्यूएमओ एंड यूएनईपी ने बनाया था। ये देखिए, तो यस, पचौरी जी थे उस समय चेयरमैन जब दिस आईपीसीसी को नोबेल पीस प्राइज दिया गया, 2007 की बात है। बहुत मीन्स आप कह सकते हैं इट वॉज अ डे ऑफ प्राइड फॉर द इंडियंस। यस, ये देखिए, द असेसमेंट हैज रिपोर्टेड दैट नियरली 99% ऑफ द सब्सटेंसेज बैंड बाई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हैव नाउ बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम यूज। वॉट अ सक्सेस, दिस इज कॉल्ड अ सक्सेस, अ सक्सेस इन द डे ऑफ कन्फ्लिक्ट, अ सक्सेस इन द डे ऑफ राइजिंग मिजरी अक्रॉस द वर्ल्ड। एक चीज़ तो है जिसके भरोसे हम लोग ये कह सकते हैं कुछ तो अच्छा हुआ है लास्ट 30-40 ईयर्स में। यस, क्योंकि जो लास्ट 2-3 साल से कंडीशन चल रही हैं स्टूडेंट्स, उसके हिसाब से लगता है कि कुछ भी अच्छा हो भी रहा है कि नहीं, इस पर भी शक होता है। ये देखिए, सो हैव अ लुक, ये डेफिनेट रिकवरी हो रहा है ओजोन लेयर का। और देखिए, ओजोन लेयर को डिप्लीशन शुरू हुआ था मीन्स डिटेक्शन 1980s में, और डॉब्सन यूनिट्स में इसका मेजरमेंट होता है। ये देखिए, मैंने बताया अभी आपको स्टूडेंट्स, ये याद कर लीजिएगा, ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट है और बाकी सारी चीज़ें आप जानते हैं, ठीक है। एंड यू कैन सी इट हियर, सबसे ज़्यादा ड्रॉप साउथ पोल पे था ओजोन लेयर का, विच वॉज लेटर लिंक टू द यूनिक कंडीशंस, टेम्परेचर, प्रेशर एंड विंड स्पीड एंड डायरेक्शन दैट प्रिवेल ओवर अंटार्कटिका। द ओजोन होल ओवर अंटार्कटिका इज द बिगेस्ट ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ सेप्टेंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। ये देखिए, व्हाई, बिकॉज एट द एंड ऑफ समर सीजन। ये देखिए, ये देखिए, दैट्स इट। तो उस जगह पे मैं बता दूं स्टूडेंट्स, उस जगह पर जैसे हमारे नॉर्थ हेमोस्फेयर में समर है, उस जगह पर विंटर है, और विंटर के एंड में ये सबसे ज्यादा होल बड़ा रहता है। पता है क्यों? क्योंकि ओजोन इज फॉर्म्ड इटसेल्फ बाय O2 एंड O। ये देखिए, ओ मॉलिक्यूल कहाँ से आ रहा है? O2 जब ब्रेक करता है दो ओ मॉलिक्यूल्स में, यहीं से नेसेंट ऑक्सीजन एटम आता है, और ये ब्रेक करने के पीछे सनलाइट एक कारण है, और सनलाइट वहाँ रहना चाहिए स्टूडेंट्स। सनलाइट नहीं रहेगा ना तो कुछ नहीं होगा, और इसीलिए ओजोन डिप्लीशन नेचुरली शुरू हो जाता है विंटर के मंथ्स में। दैट्स इट, ये देखिए, एंड अंटार्कटिका ड्यूरिंग दिस टाइम फेसेस कंप्लीट डार्कनेस। टेल मी स्टूडेंट्स, आपको पता है ये चीज़? मुझे बताइए। इसे कहते हैं समर सॉल्स्टिस नॉर्थ हेमोस्फियर में, इसे कहते हैं विंटर सॉल्स्टिस साउथ हेमोस्फियर में। ये देखिए, ये सेकेंड न्यूज़ है अभी का स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड फ्लोरीन को बैन किया गया था इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, और इसका इस्तेमाल एयर कंडीशनर्स में, रेफ्रिजरेशन में, पेंट्स में भी होता है, एंड फर्नीचर इंडस्ट्रीज में। नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स में यूपीएससी यही तो सवाल पूछती है। यूपीएससी इज एग्जाम ऑफ एक्सेप्शंस, जहां आपको लगेगा कि नहीं सवाल आएगा वही सवाल पूछा जाता है, पेंट्स एंड फर्नीचर। ये देखिए, मार्क कर लीजिएगा, एंड ये देखिए, इम्प्रूवमेंट्स हो गए सिचुएशन में। सबसे बड़ी बात इस इम्प्रूवमेंट में क्या हुआ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को रिप्लेस किया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से। दे आर लेसर हार्मफुल, येट दे आर स्टिल हार्मफुल, मैं बता दूं।
और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का एक सबसे नेगेटिव पॉइंट है स्टूडेंट्स, देखिए क्लोरो फ्लोरोकार्बन्स, इसमें दो मॉलिक्यूल्स थे क्लोरीन एंड फ्लोरीन, इसमें एक मॉलिक्यूल ओनली फ्लोरीन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, इसमें लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट है, ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है ये देखिए। यानी HFC एक तरीके से अच्छा है, इट डजेंट कॉज ओजोन डिप्लीशन बट इट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। इसीलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जब ये मालूम चली बात हम लोगों को, तब हम लोग मालूम चला अच्छा ये भी एक कंडीशन है क्या ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक रीजन, यस। और तभी हम लोगों ने किगाली में 2016 में अमेंडमेंट किया, ये देखिए किगाली कौन से कंट्री का कैपिटल है, कौन से अफ्रीकन देश का कैपिटल है मुझे बता दीजिए। ये देखिए इस जगह पर किगाली अमेंडमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सीक्स टू एलिमिनेट 80 to 90% ऑफ द HFCs करंटली इन द यूज बाय ईयर 2050। किगाली अमेंडमेंट लाया गया जिससे कि ये एम किया गया कि ऐसा ना हो जाए कि ओजोन डिप्लीशन खत्म हो जाए लेकिन ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाए, और ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल करने के लिए किगाली अमेंडमेंट किया गया जिसमें HFC पे भी बैन लगाया गया। यू कैन सी दिस किगाली एग्रीमेंट, यू कैन सी इट हियर किगाली एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट इन किगाली रवांडा टू फेज आउट अ फैमिली ऑफ पोटेंट ग्रीन हाउस गैसेज बाई द लेट 2040s, ये देखिए मूव टू प्रिवेंट अ पोटेंशियल 0.5 डिग्री सेल्सियस राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर बाई द एंड ऑफ सेंचुरी, ये देखिए किगाली अमेंडमेंट टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या ये याद रहेगा मुझे चैट बॉक्स में स्टूडेंट्स बता दीजिए। अभी ये देखिए किगाली, यस रवांडा का कैपिटल, क्या बात है, आप लोग बिल्कुल अफ्रीकन देश पे आप लोग रिसर्च कर चुके हैं लग रहा, नहीं मुझे बताइए। तो ये देखिए किगाली एग्रीमेंट, किगाली इज द कैपिटल ऑफ रवांडा, रवांडा इज कंट्री, इज वेरी स्मॉल कंट्री इन सेंट्रल अफ्रीका, जहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब आज से 5 साल पहले गए थे, 6 साल पहले, और गिरिंका प्रोग्राम लॉन्च किया था। गिरिंका प्रोग्राम देखिएगा क्या ये प्रोग्राम है, देख लीजिएगा जाकर एक्सटर्नल अफेयर्स में, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए कोई बात नहीं कौस्तुभ, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द मोबाइल नंबर्स, आई विल टॉक अपन द फोन और अपन द व्हाट्सएप, ठीक है। तो ये देखिए ये है स्टूडेंट्स की गाली एग्रीमेंट, क्या ये क्लियर है मुझे बताइए। आइए बढ़ चलते हैं आगे स्टूडेंट्स एक नए न्यूज़ की तरफ। तो ओजोन के ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, HFCs, देखिए HFC मैं बता दूं आपको, HFCs डू नॉट कॉज मच डैमेज टू ओजोन लेयर बट दे आर वेरी पावरफुल ग्रीन हाउस गैसेज, ये देखिए स्टेटमेंट याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये देखिए स्टेटमेंट यहाँ दिया हुआ है, ये देखिए ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, और मैं अगर एग्जामिनर बन गया UPSC का मान लीजिए, ठीक है, अगर मैं अपने आप को एग्जामिनर की कुर्सी पर रखता हूँ अभी, तो मुझे लगता है यहाँ से UPSC सवाल पूछ सकता है, व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड द सक्सेस ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 10 मार्क्स क्वेश्चन 150 वर्ड्स, व्हाट वर द रीजंस फॉर द सक्सेस ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रीजंस क्या वजह थी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक सफल एक प्रोटोकॉल रहा, क्योटो प्रोटोकॉल सफल नहीं हुआ उतना, और अब तो कोई प्रोटोकॉल साइन ही नहीं हो रहा, ये देखिए नहीं। आइए आगे बढ़ चले स्टूडेंट्स अगले टॉपिक की तरफ। तो एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में एक सबसे बड़ा पता है सफलता का कारण क्या था, सोचिए बताइए मुझे, मैं बताऊंगा आप लोगों के आंसर के बाद क्या कारण था सफलता का, मुझे बताइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं तीसरे न्यूज की तरफ, यूरोप्स लार्जेस्ट नोन डिपॉजिट ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स फाउंड इन स्वीडन, यूरोप खुश हो गया, ये देखिए खुश खुश तो बहुत हो गया तुम आज, नहीं स्वीडन, ये देखिए कुड द डिस्कवरी चेंज जियोपॉलिटिक्स, और चाइना में मन रहा होगा मातम आज, 90% ऑफ द रेयर अर्थ मेटल्स सोर्स कम्स फ्रॉम चाइना, डू यू नो, टेल मी स्टूडेंट्स, ये बताइए मुझे। तो आइए पहले स्वीडन का मैप देखते हैं, तब देखते हैं कि क्या है ये रेयर अर्थ मेटल्स, मैंने 10 बार पढ़ा, ये देखिए आर्कटिक सर्कल गुजरता हुआ स्वीडन से, स्वीडन ये देखिए इस जगह पर देख रहे हैं आप, ये एक स्कैंडिनेवियन कंट्री, ये देखिए यहाँ पर, और फिनलैंड और नॉर्वे के बीच में सैंडविच्ड, स्वीडन का कोई समुद्री तट नहीं है आर्कटिक ओशन पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आर्कटिक ओशन पे कोई समुद्री तट नहीं है, इसे याद रखिएगा, ये देखिए। एंड गल्फ ऑफ बॉथनिया, गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ रीगा, नॉर्थ टू साउथ अलाइनमेंट आ सकता है स्टूडेंट्स इन गल्फ का, गल्फ का मतलब पता ही होगा आपको, एक नैरो वाटर बॉडी, एक पानी का छोटा सा
हिस्सा जो तीन तरफ से जमीन से घिरा हुआ, ये देखिए। और बाल्टिक सी पर तीनों का ओपनिंग से आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। सवाल ये भी आ सकता है, कंसीडर द फॉलोइंग गल्फ, विच ऑफ द फॉलोइंग गल्फ हैव अ माउथ ऑन द बाल्टिक सी, दैट सिटी, देखिए। ठीक है, तो स्वीडन का कैपिटल स्टॉकहोम देखिए। और अभी जस्ट ये भी न्यूज़ आया था, गॉटलैंड आइलैंड देखिए, इसके ऊपर नज़र है अभी रशिया की। और सर रशिया की नज़र कहाँ कहाँ है, रशिया की नज़र कहाँ कहाँ है खुद रशिया को नहीं पता। ये देखिए गॉटलैंड आइलैंड, याद रखिएगा, स्वीडन को बिलोंग करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखिए। तो लेट्स सी, तो आप लोगों ने आंसर नहीं दिया मुझे स्टूडेंट्स कि क्यों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक सफल एग्रीमेंट के रूप में आगे बढ़ा है, लेट मी नो। और यहाँ पर नॉर्वे एंड स्वीडन के बीच में जोलेन माउंटेन चेन है क्या, देखिए तो जोलेन माउंटेन्स, ये देखिए KJOLEN, मिला मुझे बताइए, देखिए फिजिकल मैप में यूरोप में। और जोलेन माउंटेन्स और एपलेशन माउंटेन्स का एज सेम है, समझ में आ रहा है कुछ आपको, किधर मैं इशारा कर रहा हूँ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वैगनर, क्या इसी बेसिस पे उसने ये थ्योरी दिया था कि नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप कहीं जॉइंट था बहुत पहले, बहुत पहले, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये देखिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं, रेयर अर्थ का कहाँ पर आ पाया गया है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर और रेयर अर्थ मेटल्स आर अ सेट ऑफ 17 केमिकल एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, द 15 लैंथेनाइड्स प्लस स्कैंडियम एंड इट्रियम। 15 लैंथेनाइड्स के अलावा कौन से दो हैं, याद रखिएगा, स्कैंडियम एंड इट्रियम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड विच टेंड टू अकर इन द सेम ओर डिपॉजिट एज द लैंथेनाइड्स एंड हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, द 17 रेयर अर्थ्स आर सीरियम। ये आ सकता है पेयर्स में, पेयर्स आए, यूपीएससी एस्पिरेंट्स गए, ये देखिए सीरियम, क्या ये रेयर अर्थ है, ऐसे करके पेयर्स में चार ऑप्शन आ सकते हैं, एक बार गो थ्रू दे दीजिएगा। इसमें स्कैंडियम एंड एट्रियम स्पेशली स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, ये देखिए। तो मैं बता दूं आगे बढ़ने से पहले, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्यों एक सफल प्रोटोकॉल है, पता है क्यों, क्योंकि सीएफसी की जगह एचएफसी दिया गया था। अगर ये कहा जाता कि सीएफसी पूरा ही बंद कर दो तो वो भी फेल कर जाता। इंसान की फितरत में अगर सब्स्टिट्यूशन इज इजी, इंसान सब्स्टिट्यूट कर लेता है, इंसान की फितरत ऐसी है कि अगर आप उसे बंद करने को बोलिएगा कोई एक्टिविटी तो बंद नहीं कर पाएगा। ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कंट्रोल करने की बात की जा रही है, कंट्रोल करो, कम करो प्रोडक्शन, कम करो प्रोडक्शन, इसलिए दिक्कत आ रही है। अगर ये कह दिया जाएगा इसके बदले में ये कर लो तो इंसान बोलेगा क्या बात है, पहले क्यों नहीं बताया था, दैट्स इट, दिस इज द मेजर रीजन, एंड दिस रीजन स्प्रिंग्स अप फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, दैट्स इट, ये देखिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं, डिस्पाइट देयर क्लासिफिकेशन मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर नॉट रियली रेयर, ये रेयर नहीं है, ये बिखरे हुए पाए जाते हैं, मोर डिस्पर्स्ड, ये देखिए डिस्पर्स्ड, डिस्पर्स का मतलब पता है, यानी वही एक सैंड उठाओगे, बालू उठाओगे तो एक दो पीस कहीं मिल जाएगा, जैसे यूपीएससी के नोट्स, पांच सात किताब उठाओगे तो आपको लगेगा यार क्या मैं पढ़ रहा हूं, अपने नोट्स निकालने जरूरी है, दैट्स इट, ये देखिए। सो दिस वन ऑफ द रेयर अर्थ प्रोमेथियम इज रेडियो एक्टिव, इसे याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, इंडियन एक्सप्रेस में ये न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये देखिए। वट आर रेयर अर्थ यूज फॉर, द एलिमेंट्स आर इंपॉर्टेंट टेक ऑफ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर एंड नेटवर्क, कम्युनिकेशन, क्लीन एनर्जी, एडवांस ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर, एनवायरमेंटल मिटिगेशन, नेशनल डिफेंस अमंग्स अदर्स। मैं पूछूंगा कुछ बचा क्या, टेल मी, कुछ बचा उसके बाद मुझे बताइए, नहीं बचा कुछ, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, नहीं, मेडिकल में भी यूज हो रहा है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रीन एनर्जी में भी यूज हो रहा है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखिए। स्कैंडियम इज यूज इन टेलीविजन एंड फ्लोरेसेंट लैंप्स, इट्रियम इज यूज इन ड्रग्स टू ट्रीट रूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड कैंसर, क्या बात है, आप देख रहे हैं ये 17 में यही दोनों पे फोकस है, स्कैंडियम एंड इट्रियम पर। मैं एग्जामिनर रहूंगा, मैं इसी जगह सवाल पूछूंगा, इसको छोड़कर, लैथेनाइड्स को छोड़कर, ये देखिए, रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर यूज इन स्पेस शटल कॉम्पोनेंट्स, जेट इंजिन, टर्बाइन्स, ड्रोन्स, सीरियम द मोस्ट अबंडेंट, क्या बात है, सीरियम इज द मोस्ट अबंडेंट रेयर अर्थ एलिमेंट, एसेंशियल टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम, ये देखिए ये चार चीज़ें आपको याद हुई यहाँ से, प्रोमिथियम रेडियो एक्टिव है, सीरियम सबसे अबंडेंट रेयर अर्थ है, एंड इट्रियम का इस्तेमाल कैंसर में होता है, अर्थराइटिस में होता है, स्कैंडियम का इस्तेमाल टेलीविजन एंड लैम्प्स में होता है, ये देखिए।
In the recent year, rare earths have become even more important because there has been an increase in demand for green energy. Elements like neodymium and dysprosium, which are used in wind turbine motors, very important, specific. Ye dekhiye, neodymium and dysprosium is used in wind turbines, very, very important. Moreover, the push for switching from internal combustion cars to electric vehicles has also led to a rise in demand for rare earth magnets. Magnets made from neodymium, boron and iron. Ye dekhiye. इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, स्पेसिफिक चीजें दी गई हैं, इसे याद करना पड़ेगा, याद करना पड़े तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, दैट्स इट, कुछ नहीं बचा, यही क्रक्स निकला इस न्यूज का, सारे तो डिस्कशन में आ ही गए। इसी को लेकर ये चाइना में सबसे ज्यादा पाया जाता है, 90% प्रोडक्शन चाइना से है स्टूडेंट्स, और आज इनके बिना आप नहीं है, यानी हम नहीं है, देश नहीं है। इसलिए चाइना के ऑल्टरनेट में US, देखिए यहाँ पर US एंड 10 अदर नेशंस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कोरिया एंड स्वीडन एंड UK एंड यूरोपियन कमीशन लॉन्च्ड समथिंग कॉल्ड एज मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप लास्ट ईयर। ये देखिए MSP, MSP का मतलब बहुत सब होता है, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी होता है, उसे यहाँ मत लीजिएगा, ये IR का टॉपिक है। मालूम चला IR में आया MSP, आपने लिखना शुरू कर दिया MSP इज मिनिमम दिस सपोर्ट प्राइसेस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये ऐसा होता है, फूड सिक्योरिटी देता है, गए काम से। MSP इज मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, GS पेपर 2 टॉपिक, ये देखिए वो GS पेपर 3 टॉपिक है, ये देखिए। तो बस यहाँ से इतना ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये तीसरा न्यूज था, आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पेपर 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, लेट्स सी द स्टेलमेट तेलंगाना आंध्र प्रदेश। सवाल ये है, इतना क्यों, अब सर क्या इतना क्यों, क्या चीज़ आप बोल रहे हैं, इतना क्यों इंटरस्टेट कन्फ्लिक्ट एंड कंट्रोवर्सीज। मुझे आज बता दीजिए स्टूडेंट्स, नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ तक, नॉर्थ इंडिया से लेकर फार नॉर्थ तक, या हर जगह इंटरस्टेट रिलेशंस में दरारें पड़ रही हैं, मुझे बताइए। इंटरस्टेट में नहीं पड़ रही, इंटरस्टेट में भी पड़ रही है, यस। इंटरस्टेट का मतलब क्या, गवर्नर और CM साहब के बीच में, ठीक है, रोज न्यूज़ आ रहा है। बस यूपी बिहार में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, क्योंकि भाई कंट्रोवर्सी के लिए दिक्कत भी होना ज़रूरी है और दिक्कत के लिए ध्यान देना ज़रूरी है। आइए आगे बढ़ते हैं, तो यू कैन सी इट हियर, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है, ध्यान दिए तो दिक्कत आई, दिक्कत आई तो कंट्रोवर्सी एरप्ट किया, कंट्रोवर्सी एरप्ट किया तो न्यूज़, ठीक है, आ गया। और अब मुझे लग रहा है कि मेंस का क्वेश्चन इस पर आने वाला है, ये देखिए, नहीं, Why are interstate controversies rising in the contemporary times? क्यों बढ़ रहे हैं, reason, administrative reason, political reasons, miscellaneous reasons, social reasons, कुछ ना कुछ तो कीजिएगा, ठीक है। What are the available mechanisms to address the situation? क्या कुछ available mechanisms हैं, constitutional mechanism, extra constitutional mechanism, ये देखिए, ये देखिए, नहीं मुझे बताइए, नहीं यूपी बिहार में नहीं होने, कंट्रोवर्सीज नहीं होने का एक रीज़न भी है, यस, कल्चर इज़ वेरी सिमिलर, इट्स नॉट वेरी डिस्टिंक्ट, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन दिस लैंग्वेज कॉमन है, कल्चर कॉमन है, बहुत कुछ शेयर करते हैं बॉर्डर्स के अक्रॉस, ये देखिए, ठीक है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये सवाल क्या आया है, बहुत पहले, बहुत वर्ष पहले, ठीक है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश बाइफरकेट किया गया था, कब, जस्ट 10 ईयर्स बैक प्लानिंग शुरू हुई थी, इट वॉज बाइफरकेटेड इन 2013 में बिल पास किया गया, 2014 में बाइफरकेशन हो गया। उसके बाद दिक्कत ये हुई है, एसेट्स डिवीजन कैसे होगा, लाइबिलिटीज डिवीजन कैसे होगा, इसी पर आंध्र प्रदेश ने पिटीशन फाइल कर दिया। देर आर 91 इंस्टीट्यूशन अंडर शेड्यूल 9 एंड 142 इंस्टीट्यूशन अंडर शेड्यूल 10 ऑफ द एक्ट, कौन सा एक्ट, आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014, उसमें लिस्ट दिया हुआ है किसका क्या होगा, किसका क्या नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखिए, द डिवीजन ऑफ अनदर 12 इंस्टीट्यूशंस नॉट मेंशन इन द एक्ट हैज आल्सो बीन कंटेंशियस बिटवीन द स्टेट्स, द इशू इन्वॉल्व्स 245 इंस्टीट्यूशंस विद टोटल फिक्स्ड एसेट वैल्यू ऑफ 1.42 लाख करोड़, हेडक्वार्टर एसेट्स अंडर शेड्यूल 9 इंस्टीट्यूशंस आर पेग्ड एट 24,000 करोड़, व्हाइल इंस्टीट्यूशंस अंडर शेड्यूल 10 आर पेग्ड एट 34,000 करोड़, ये देखिए। The AP government is firm on the implementation of the recommendation given by the expert committee headed by retired bureaucrat Sheila Bhide for bifurcation of 89 out of 91 Schedule 9 institutions.
But it lamented that Telangana government had selectively accepted the recommendations, leaving others, which was resulting in delays of division of assets and liabilities. ये देखिए, have a look. इसका मतलब साफ है स्टूडेंट्स की आंध्र प्रदेश तेलंगाना का डायमेंशन ही अलग है. अभी महाराष्ट्र कर्नाटक का डायमेंशन अलग था, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में डायमेंशन ही अलग था, कर्नाटका और तमिलनाडु अलग ही डायमेंशन है. तमिलनाडु एंड केरला वही डायमेंशन है जो कर्नाटका एंड तमिलनाडु का है. अलग अलग मुद्दे उधर सतलज यमुना लिंक कनाल एंड पंजाब एंड दिल्ली अभी नहीं है क्योंकि सेम पार्टी आ गई है, नहीं तो लफड़ा बहुत क्रिएटेड था. नहीं मुझे बताइए. ओके, ऐसी जगह पर साफ साफ दिख रहा है कि इंस्टीट्यूशंस को लेकर प्रॉब्लम, बाइफर्केशन को लेकर प्रॉब्लम. इसीलिए मैं इस टॉपिक को लिंक करूंगा 20 वर्ड्स 30 वर्ड्स यहां से निकाल कर. स्टेट डिविजन्स में क्या क्या दिक्कतें हैं, स्टेट डिविजन क्या, ये स्टेट फॉर्मेशन स्टेट डिविजन क्या ये दिया हुआ है पार्ट वन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1-4. मुझे बताइए स्टूडेंट्स इन द चैट बॉक्स, टेल मी. तो कोई पूछेगा ना, सवाल पूछा गया था 4 साल पहले और मैं मीन्स जब से मैं पढ़ा रहा हूँ मैं बोलता हूँ कि ये इंटरव्यू का एक फेवरेट क्वेश्चन है. मुझसे भी इंटरव्यू में पूछा गया था ये चीज़, ठीक है. मैं बता दूँ आपको, मेरे पहले इंटरव्यू में दिस वॉज आस्ट, डू यू फेवर स्मॉलर स्टेट्स इन द कंट्री, डू यू फेवर बाइफर्केशन. बाइफर्केशन का एक नेगेटिव पॉइंट ये देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, क्योंकि इतना सब लफड़ा होगा कि ये तुम्हारा ये मेरा ऐसे वैसे, 10 साल लफड़े में ही गुजर जाएंगे, कुछ बढ़ोतरी होगी नहीं. दैट्स इट. ये देखिए, सो दिस इज इट. व्हाट इज द स्टैंड ऑफ तेलंगाना. देखिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, अब देखिए इसमें डिटेल्स में नहीं डेल्व करना है, लेकिन एक चीज़ है कि अब एसेट्स एंड इंस्टीट्यूशंस के बाइफर्केशन को लेकर इश्यू. अब अगर मुद्दा नहीं सुलझा तो आर्टिकल 131 के तहत ये आंध्र प्रदेश अप्रोच करेगा, कहाँ पर, कहाँ अप्रोच करेगा मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट में. उसके पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अगर चाहेगा तो टैकल कर लेगा, जैसे उसने असम मेघालय का मुद्दा टैकल कराया. क्या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ये काम है मुझे बताइए स्टूडेंट्स. ये देखिए, मेरे से पूछा गया था कि डू यू फेवर स्मॉल स्टेट्स, मेरा एक ही आंसर था, स्मॉल डिस्ट्रिक्ट्स आर बेटर देन स्मॉल स्टेट्स, दैट इज इट. अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी की बात की जाए तो छोटे जिले ज़्यादा बेहतर है छोटे राज्यों से. छोटे राज्य जहाँ भी हैं वहाँ सक्सेस भी है फेलियर भी है, मेरे हिसाब से कभी सब फेलियर ही नज़र आ रहा है. उत्तराखंड का चीज़, उत्तराखंड का इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी सक्सेस के रूप में प्रमोट किया जा रहा था, और जब मैं जोशी मठ का हाल देखता हूँ तो मुझे लगता है छोटे राज्य एक एक टॉपिक पे फोकस्ड, एक एक इकोनॉमिक एरिया पे फोकस. टूरिज्म उत्तराखंड देखिए, डिस्ट्रक्शन इन जोशी मठ, दैट्स इट. यस, और आंध्र प्रदेश का कैपिटल अभी भी अनडेवलप्ड है, ये मींस अंडर डेवलप्ड है, एंड उसको तो लफड़ा हुआ था 3-4 साल से. नहीं, आंध्र प्रदेश का कैपिटल पहले अमरावती घोषित किया गया, उसके बाद नए सीएम साहब है उन्होंने कहा ट्रिपल कैपिटल. बट ट्रिपल कैपिटल क्या होता है, ट्रिपल कैपिटल रहेगा जैसे कि साउथ अफ्रीका, मतलब साउथ अफ्रीका कंट्री है, कोई बात नहीं यार स्टेट में बनाएंगे. फिर हाईकोर्ट में मुद्दा गया, हाईकोर्ट ने कहा यार क्या मजाक है यार, ठीक है ऐसे भी बाइफर्केशन बनेगा कि नहीं, एक कैपिटल पहले उस पर फोकस करो, 3 कैपिटल बनाने पर क्या चल रहा है. ऐसे भी जीएस में सिलेबस बढ़ जाता आप लोगों का, नहीं मुझे बताइए. सो दैट्स इट. देखिए इंडिया में स्टेटहुड का डिमांड पॉलिटिसाइज्ड है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड नहीं होती है. एग्री कर रहे हैं मुझे बताइए चैट बॉक्स में स्टूडेंट्स. नहीं, इन इंडिया द स्टेटहुड डिमांड इज मोर पॉलिटिसाइज्ड. मुझे याद आ रहा है एक समय जब मायावती जी सीएम थी उत्तर प्रदेश की, ठीक है, और उसके बाद इलेक्शंस आने वाले थे, तो स्टेट असेंबली ने पास किया एक रेजोल्यूशन कि उत्तर प्रदेश को 4 छोटे स्टेट्स में विभाजित किया जाए, ठीक है, पूर्वांचल बुंदेलखंड अवध प्रदेश और बाकी मीन्स रुहेलखंड, ऐसे करके डिवीजन किया जाए. तब उसके बाद रेजोल्यूशन पास करके उत्तर प्रदेश स्टेट असेंबली ने सेंटर के पास भेजा. सेंटर वॉज शॉक्ड, ये क्या है, ये उत्तर प्रदेश चाहता है कि हम 4 में डिवाइड हो जाएं. सेंटर वॉज लाइक तो पार्ट वन का क्या अस्तित्व है मुझे ये बताइए. मीन्स पार्ट वन में लिखा हुआ कि पार्लियामेंट सब कुछ करेगा, तो जब आप ही कर लीजिएगा कि आज मैं ही डिवाइड करता हूँ खुद को, तो क्या फिर पार्ट वन नहीं रहा, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहा, फिर आप ही सब ही कर लो. नहीं मुझे बताइए. तो फिर बाद में आया कि नहीं बुंदेलखंड में तो कम से कम जीत ही जाती है, इसीलिए उन्होंने ऐसा काम किया था. नहीं, ऐसे इसे कहते हैं
अनकॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाकर काम करना, दैट्स इट। नहीं तो ये देखिए यहां पर स्टूडेंट्स, बस सेंटर की तरफ से क्या रोल रहेगा, ये देखिए मीटिंग्स होल्ड की जाएंगी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमिटीज की, होम सेक्रेटरी लीड करेंगे, देखिए उनका हेडेक बढ़ गया भाई। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी भी रहेंगे वहां पर स्टेट्स के, ये देखिए। उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकता है, ये देखिए। एंड अगर उससे नहीं सवाल सॉल्व हुआ तो फिर आगे सुप्रीम कोर्ट तो है ही, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ठीक है आ जाना यार, ठीक है, ऐसे भी तो मैं खाली ही बैठा हुआ हूँ ना 69,000 केसेस के साथ में, अब यही बचे हो तुम ही बचे हो, अब आ जाओ, ठीक है सबको ही आ जाओ, क्या दिक्कत है। केवल आर्टिकल 131 के तहत ही केसेस बचे हुए थे अब सुप्रीम कोर्ट में, वो भी आ जाएंगे 69,000 से 70,000-75,000 केस अब फिर से बढ़ जाएंगे, दैट्स इट। तो यहां से स्टूडेंट्स मैकेनिज्म अवेलेबल एंड स्टेट कंट्रोवर्सीज सब डिस्कस करना जो लास्ट 3 ईयर्स में हुए हैं, अवेलेबल मैकेनिज्म में कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन दोनों डिस्कस करना, ये देखिए। नहीं चलिए आगे बढ़ चले, ये हुआ पॉलिटी एंड दिस गवर्नेंस का टॉपिक तेलंगाना आंध्र प्रदेश का, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस के न्यूज से उठाया जाए स्टूडेंट्स, ये देखिए एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट इन पेरू क्लेम एट लीस्ट 17 लाइव्स, याद है पेरू एक महीने से दिक्कत में चल रहा है, अब ये देखिए ठीक है, एक महीने से चल रहा है दिक्कत में, और बोल्सोनारो इफेक्ट लग रहा है यहाँ भी आ गया। बोल्सोनारो आपको पता है ब्राजील का फॉर्मर प्रेसिडेंट, उसने आर्मी को कहा कि ऐसा है अभी हटाइए प्रेजेंट प्रेसिडेंट को, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं वहां से हट गया हूं, दैट वॉज इट। तो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट इन पेरू क्लेम एट लीस्ट 17 लाइव्स, अब पेरू पे ऐसा देखिए आप ना स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज राइजिंग इन अक्रॉस द वर्ल्ड, यूपीएससी इस पर सवाल पूछ सकता है आईआर में, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण क्या है अक्रॉस द वर्ल्ड, ये देखिए। अब हमेशा ये मत कहिएगा भूखमरी फूड इनसिक्योरिटी ये सब देशों में खाना पूरा है, शायद खाना ज्यादा ही है, नहीं मुझे बताइए, ठीक है ये देखिए। फूड इनसिक्योरिटी माइट बी द रीजन इन अफ्रीका नॉट इन पेरू, ये देखिए आपको एविडेंस के साथ देना पड़ेगा कि पेरू में क्या वजह है, ये देखिए। तो ये पेरू हो बोलिविया हो, बोलिविया 2 साल पहले दिक्कत में था, ब्राजील हो, वेनेजुएला में दिक्कत चल ही रही है, कोलंबिया में दिक्कत चल ही रही है, इन सारे जगहों पे एक मेजर वजह है, यहाँ दो ही पार्टीज खेलती हैं, ठीक है। कौन सा क्या सर खेलती हैं, कौन सा गेम खेलती हैं सर, क्रिकेट है क्या, नहीं क्रिकेट नहीं है पॉलिटिक्स है, ये देखिए एक प्रो यूएस है एक एंटी यूएस है, उसी पे पूरा जीवन इनका चलता है, ये देखिए। सो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में बहुत बड़ा यूएस का इंपैक्ट रहा, इनर्शिया यूएस इंपैक्ट आज भी दिखता है पेरू में, ठीक है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के पीछे एक और रीजन है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, एक ही चेहरा देखते देखते मन उब जाता है जब वोटर्स का, तो वो बोलते यार ये चेहरा को हटाया, बोल्सोनारो को हटाओ, बोल्सोनारो कहता है यार चेहरा और दिखाने का मन था, कैसे हटाने की बात कर रहे हो तुम, नहीं। सो वन ऑफ द फैक्टर्स इज एंटी इनकम्बेंसी, वन ऑफ द फैक्टर्स इज प्रो यूएस एंटी यूएस खेल, दैट्स इट। तो यही है स्टूडेंट्स वहां पर पेरू, पेरू एक कंट्री है, देखिए यहां पर इस पेरू और बोलिविया न्यूज में आता लेक टिटिकाका, याद कीजिए यहां पर इस पर एक लेक है एंडीज माउंटेन्स के ऊपर, दोनों कंट्रीज के बीच में है और शायद हाईएस्ट नेविगेबल लेक है वर्ल्ड का, मैंने ये पढ़ाया आप लोगों को, मैं ये सब दोबारा रिवाइज इसलिए कराता हूँ कि आपको याद हो जाए पूरा माइंड में, ठीक है। हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन द वर्ल्ड, ये देखिए। तो पेरू याद कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, क्या यहीं से रिवर अमेजोन निकलती है, यस ये देखिए यहीं से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए स्टूडेंट्स अगले टॉपिक की तरफ, ये देखिए अगला टॉपिक जोसेफ बाइडेन को लेकर है, नोटैम सिस्टम फेलियर। जोसेफ बाइडेन इज लाइक व्हाट इज नोटैम, लाइक नोटैम नहीं होता है, नोटैम, नोटैम सिस्टम फेलियर क्या है, आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। नोटिस टू एयर मिशन सिस्टम, जोसेफ बाइडेन का जितना परेशानी है याद रखने में सब कुछ, उतना ही उनके समय घटनाएं घटित हो रही है, ये देखिए। या तो वो मिशन लॉन्च करते थे या अभी मिशन लॉन्च वो नहीं कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स ही अपने आप को लॉन्च कर दे रही है, ये देखिए। नोटैम सिस्टम फेलियर डिस्टर्ब्स यूएस फ्लाइट्स, व्हाट इज हैपनिंग, लेट्स सी। ओवर 1,200 फ्लाइट्स विद इन इन टू और आउट ऑफ यूएस हैव बीन डिलेड एंड मेनी मोर आर एक्सपेक्टेड टू बी अफेक्टेड ड्यू टू टेक्निकल ग्लिच। The U.S. Federal Aviation Administration system that alerts pilots and other flight personnel about hazards or any changes to airport facility, services and relevant procedures was not processing updated information. The Civil Aviation Regulator's website showed on Wednesday. उधर वहाँ पर technical glitch है और यहाँ पर इंडिया में human glitch है, नहीं human glitches।
वो छोड़ दीजिए कि जो एयर इंडिया के फ्लाइट पर इन फ्लाइट हुआ, ठीक है, उसके वकील का आपने स्टेटमेंट सुना है। उसके अलावा दिल्ली में एक पर्सन सऊदी अरब जा रहा था, उसने वही सेम मींस एक्ट ऑन द गेट, ऑन द सिक्योरिटी गेट, एंड दैट टू इन एन इनएब्रिएटेड कंडीशन। सो मेरे हिसाब से तो भाई कम से कम ये जो ड्रिंकिंग और ये सब बाकी कंसेप्ट, इसको बैन लगाना चाहिए यहाँ पर एयरलाइंस में। बिकॉज विद दिस टाइप ऑफ अनएथिकल बिहेवियर व्हाट आर वी ट्राइंग टू शो, एंड इज दिस डेवलपमेंट? टेल मी स्टूडेंट्स, क्या ये डेवलपमेंट है? क्या पैसा कमाना ही डेवलपमेंट है? मुझे बताइए, पैसा कमा कर बैठ गए एरोप्लेन में और फिर ये सब कांड कर रहे हैं, बहुत दिक्कत की बात है स्टूडेंट्स। तो इंडिया में तो ह्यूमन ग्लिच है, वहां पर टेक्निकल ग्लिच देखिए। एडवाइजरी द FAA said its NOTAM notice to air mission system had failed, there was no immediate estimate for when it would be back, the website showed। लेकिन ये बहुत जरूरी टेक्निकल मिशन है स्टूडेंट्स, मैं बता दूं। याद कीजिए, कुछ सुल्ली करके एक मूवी आई थी हॉलीवुड की, नहीं सुल्ली करके एक मूवी आई थी हॉलीवुड की, याद कीजिएगा, थोड़ा मूवी देख लीजिएगा, कैसे हडसन रिवर में उस पायलट ने प्लेन उतारा था आफ्टर बर्ड्स क्रैश इनटू द इंजन ऑफ द प्लेन। बहुत मस्त मूवी है, ठीक है। उसके बाद कमिटी बैठाई गई, इंडिया में कमिटी तब बैठती है जब कोई परेशानी होती है, वहां कमिटी तब बैठती है जब लगता है कोई गलती किया है, नहीं? तो ये देखिए, उसमें हडसन रिवर पे उसने पहला सक्सेसफुल फ्लाइट लैंडिंग इन वाटर, उसमें भी कंडीशंस थे, नहीं कि इस एंगल पे ऐसे ऐसे करके उतारा जाएगा तभी जाकर एरोप्लेन बचेगा, नहीं तो एरोप्लेन वुड हैव बीन बाइफर्केटेड इनटू टू। बट येट इट वाज सक्सेसफुली इट लैंडेड इन द हडसन रिवर, यस। और वो एक एक वो कैसे इसी डिजास्टर से बचाने के लिए नोटिस टू एयर मिशन सिस्टम है NOTAM, जो बताता है कि दिस क्या इन एयर क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, प्रोसीजर्स बताता है, एयरपोर्ट फैसिलिटी सर्विसेज बताता है, किसे? एयरलाइंस को। यस दैट्स इट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो NOTAM नोटिसेस कंटेनिंग एसेंशियल इन्फॉर्मेशन कंसर्न विद फ्लाइट ऑपरेशंस, ये देखिए, NOTAM इज अ नोटिस कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन एसेंशियल टू पर्सनेल कंसर्न विद फ्लाइट ऑपरेशंस बट नॉट नोन फार इनफ इन एडवांस टू बी पब्लिसाइज बाय अदर मीन्स, ये देखिए, NOTAMs इंडिकेट द रियल टाइम एंड अबनॉर्मल स्टेटस ऑफ द नेशनल एयर स्पेस सिस्टम, NOTAMs कंसर्न द एस्टेब्लिशमेंट कंडीशन और चेंज ऑफ एनी फैसिलिटी सर्विस प्रोसीजर और हेजर्ड्स इन NAS, ये देखिए। सो NOTAM का क्या है एग्जाम्पल, द सिस्टम रिलीज इंफॉर्मेशन अबाउट चेंजेस इन कंडीशंस एज वेदर, वोल्केनिक एक्टिविटी, एयर स्पेस रिस्ट्रिक्शंस, अदर फैक्टर्स, एज वेल एज अनयूजुअल इवेंट्स सच एज पैराशूट जंप्स, रॉकेट लॉन्चेस, मिलिट्री एक्सरसाइज। इट ऑल्सो एडवाइजेस पायलट्स ऑफ एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशंस एट एयरपोर्ट्स इंक्लूडिंग आइसिंग, मैल फंक्शनिंग लाइट्स एंड प्रेजेंस ऑफ फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स। यही हुआ था उस हडसन रिवर में जब उतारा गया था एरोप्लेन को, तो ये देखिए, वैसे बर्ड्स होनी जरूरी होती हैं ऐसे के लिए, बर्ड्स अब गायब हो चली हैं पूरी पृथ्वी से, नहीं मुझे बताइए। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स अबाउट द NOTAM सिस्टम, इज इट क्लियर? टेल मी द चैट बॉक्स। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या दिस NOTAM प्रीलिम्स में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, डिकोड इंटरलिंक अप्रोच, इंडिया यूएस रिलेशन, यूएस अमंग्स टॉप बायर्स ऑफ इंडियाज रिफाइनरी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, ये देखिए, यूएस इमर्ज एज अ टॉप डेस्टिनेशन फॉर रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया नवंबर, एंड दिक्कत ये है कि वो यू रशियन क्रूड ऑयल से प्रोसेस किया गया, क्या बात है। ये देखिए रशिया, ये देखिए, और यूएस में रेड लाइन है, ये देखिए, यानी कि दुश्मनी, दोनों एक दूसरे की तरफ गुस्से में देख रहे हैं। रशिया से ये देखिए लिया ऑयल, क्रूड ऑयल इंडिया ने, ये देखिए, और उसे प्रोसेस करके यूएस की तरफ दे दिया। यूएस इज लाइक मैं ही मिला हूं, नहीं बेचने के लिए मैंने रशिया पे बैन लगाया, इसीलिए यूएस वॉज वरिड, ठीक है, नहीं वरिड, इसलिए बार बार जोसेफ बाइडेन फोन कर रहे थे इंडिया को, रशिया से तेल नहीं खरीदना चाहिए, तेल नहीं खरीदना चाहिए। क्यों नहीं खरीदना चाहिए? क्योंकि अंततः हमारे पास आ रहा है, दैट्स इट, ये देखिए, नहीं। सो अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम द कॉमर्स मिनिस्ट्री, रशिया एक्सपोर्टेड क्रूड ऑयल
worth 3.08 billion dollars in November to India, making it the second largest exporter to India after Saudi Arabia. Meanwhile, the US imported oil products worth $588 million in November, raising imports to the highest levels this fiscal. ये देखिए क्या बात है, यस हेरा फेरी हो गया यहाँ पर यूएस के साथ में, इसीलिए जोसेफ बाइडेन को दिक्कत हो रही है, ये देखिए। नहीं, सो इंडिया यूएस रिलेशंस, इंडिया अब अपने सर इसे कहाँ लिंक करेंगे, अब आप देखिएगा भाई। ठीक है, ये क्या ये पता नहीं है यूएस को, या पता होने के बावजूद नहीं बोल रहा है, पता नहीं अब क्या रीज़न है, लेकिन ये दिक्कत है। इतना ही नहीं, यूरोप नवंबर इंपोर्ट्स ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया आल्सो शोड सिग्निफिकेंट चेंजेस, जंप मार गया है यूरोप का भी, यूरोप का भी वही हाल। ये देखिए यूरोप रशिया, ये देखिए डायरेक्टली नहीं लेंगे, ये देखिए, लेकिन इनडायरेक्टली इंडिया से। देखिए इंडिया ने बोला कोई बात नहीं, मैं तो मैं हूँ ना, मैं इससे क्रूड ऑयल लूँगा, ये देखिए, और फिर मैं प्रोसेस करके आपको दे दूँगा, चिंता नहीं करने का, आपस में दुश्मनी है कोई दिक्कत नहीं है, मैं संभाल दूंगा बीच में, ये देखिए। सो व्हाट टू से फ्रॉम हेयर, इवन आई डोंट नो द राइट वर्ड्स, ये देखिए। तो इंडिया इंडियाज परचेज ऑफ रशियन क्रूड ऑयल हैव सोर्ड आफ्टर इंटरनेशनल प्राइसेस सर्ज सिंस द स्टार्ट ऑफ रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। तो इट कैन बी अ चैलेंज इन द कमिंग इंडिया यूएस रिलेशंस इन द कमिंग डेज, दैट्स इट, लेट्स सी। आगे देखते हैं, इंडिया आइज पावर ट्रांसमिशन लिंक विद थाईलैंड वाया म्यांमार, क्या बात है। इस न्यूज को कहाँ डीकोड इंटरलिंक कीजिएगा, लाइव मिनट का ये न्यूज है, मुझे बताइए स्टूडेंट्स कहाँ 20 वर्ड्स यहाँ से अटैच कीजिएगा, किस क्वेश्चन में या किस क्वेश्चन में अटैच करते इस साल अगर आप मेंस में बैठते तो, और उसके पहले ये न्यूज आया रहता तो, बिमस्टेक ही देखिए। एग्री कर रहे हैं, मुझे बताइए। ठीक है, देखिए बिमस्टेक, यस पुटअप किया गया है दैट आपदा को अवसर बना दिया इसे, ठीक है, यस आपदा किसी और के लिए, अवसर हमारे लिए, दैट्स इट, टर्निंग अ चैलेंज इनटू एन अपॉर्चुनिटी, दैट्स इट। तो ये बिमस्टेक या इंडिया साउथ ईस्ट एशिया रिलेशंस में जरूर लिंक कीजिएगा स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स इस न्यूज़ को ये देखिए, ठीक है, या इंडिया आसियान रिलेशंस में ये देखिए। ऑलरेडी कुछ ट्राई लेटरल हाईवे लिंक बनाया गया है, मुझे बताइए, ट्राई लेटरल हाईवे एक बार आपका होमवर्क है, इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे देखिएगा स्टूडेंट्स। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज, GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट, किड्स बिस्किट्स एंड द नीड टू चेक जंक फूड एडवर्टीजमेंट्स। इन द रिसेंट एड अ टॉप एक्टर आस्क हिसल्ड मदर्स टू गिव किड्स अ पैक ऑफ बिस्किट्स विच ही असर्ट्स हैज द पावर ऑफ मिल्क एंड आटा। वो एक्टर कह रहा है, मींस पूरा एकदम स्ट्रेस देकर ये बिस्किट खिलाइए और बॉडी बनाइए और दिमाग भी तेज कीजिए। द एड हैज हिट अ रॉ नर्व विद एक्सपर्ट सीकिंग अ स्टॉप टू सेलिब्रिटीज एंडोर्सिंग सच फूड। जंक फूड को एंडोर्स कर रहे हैं ये सेलिब्रिटीज। वैसे इनके ऊपर भी न्यूज आया था स्टूडेंट्स, प्रोटीन पाउडर का, दो दिन पहले, तीन दिन पहले, प्रोटीन पाउडर में भी एडल्ट्रेशन पाया गया है। मालूम चला प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं, 6 महीने से जिम जा रहे हैं, वे प्रोटीन है, ठीक है, मिल्क प्रोटीन 4-5 हज़ार का वो खरीदा और मालूम चला उसमें धोखा हो गया। नहीं, कैसा धोखा, उसमें मिल्क पाउडर मिला दिया जो नॉर्मल आता है अमूल का, सोचिए। तो बहुत ज़्यादा एडल्ट्रेशन हो रहा है और यहाँ जंक फूड की बात चल रही है, देखिए यहाँ पर। नहीं, वट इज़ द इश्यू ओवर द बिस्किट एडवर्टीजमेंट, ये देखिए, इन रीसेंट एडवर्टीजमेंट बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन इज सीन टेलिंग मदर्स वाई दे शुड नॉट लूज स्लीप ओवर अ चाइल्ड्स मील। ठीक है, बच्चा नहीं खा रहा, चिंता नहीं करने का, गिव देम अ पैकेट ऑफ बिस्किट विच हैज़ अ पावर ऑफ आटा एंड अ ग्लास ऑफ मिल्क, ही सेज। द न्यूट्रिशन एडवोकेसी इन पब्लिक इंटरेस्ट सेट द कमर्शियल इज डिसेप्टिव, ये देखिए, खाना मत खाओ, बिस्किट खा लो, नहीं UPSC में रैंक वन लाना है, बिस्किट खा लो, क्या दिक्कत है, दिन भर कुछ मत खाओ, बिस्किट खा लो, पढ़ाई करो, पॉलिटी याद हो जाएगा, इकोनॉमी याद हो जाएगा, सब कुछ अच्छे से होगा। द मिल्क इन पैकेज बिस्किट्स इज स्वीटेंड कंडेंस्ड पार्टली स्किम्ड मिल्क एंड मिल्क सॉलिड्स एंड द फ्लोर इज रिफाइंड व्हीट फ्लोर और मैदा अ पुअर सब्स्टिट्यूट फॉर हेल्दी होम कुक्ड मील्स, ये देखिए। बिसाइड सच प्रोडक्ट्स फार एक्सीड शुगर सॉल्ट एंड फैट थ्रेशोल्ड्स। इज द लेटेस्ट बिस्किट एड अ वन ऑफ केस, नहीं ऐसा नहीं है। चिप्स ये लोग एडवोकेट करते हैं खाने के लिए, चिप्स खाओ एनर्जी लाओ, उसके बाद चॉकलेट का ऐड आता है, देखा होगा आपने, ये देखिए, नहीं, तो दिस इज इट।
मुझे लगता है स्टूडेंट्स ना, दैट यूपीएससी शुड आस्क अ क्वेश्चन, इट माइट बी इन द पेपर ऑफ एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, दैट क्या सेलिब्रिटीज, क्योंकि अभी देखिए वो पान मसाला का भी एडवर्टीजमेंट बहुत चल रहा है कंट्रोवर्सी में, नहीं वो तीन एक्टर्स वो गाड़ी काली वाली गाड़ी ठीक है लेकर जा रहे हैं, नहीं अब वो दो एक्टर्स उसमें जा रहे हैं बात कर रहे हैं, गए तो वहाँ सरप्राइज शॉक्ड, क्योंकि वो तीसरा एक्टर पहले से ही वो पान मसाला खा रहा है, नहीं मुझे बताइए। तो शायद आ सकता है स्टूडेंट, सेलिब्रिटीज एंडोर्सिंग सच एड्स, डजेंट इट अंडरमाइन द मोरालिटी इन, या डजेंट इट अंडरमाइन वैल्यूज बिकॉज द पब्लिक सीज देम एज रोल मॉडल्स, यस इट अंडरमाइंस द वैल्यूज स्टूडेंट्स, नहीं मुझे बताइए, नहीं ये अंडरमाइन कर रहा है वैल्यू, ये बहुत एथिकल इश्यू है, ये देखिए ये बहुत ही अनएथिकल बिहेवियर है इन लोगों का। आप स्टेटमेंट्स पुटअप कीजिए, इसी तरीके से एक ऐड आया था जिसके बाद उस क्रीम ने अपना नाम चेंज किया ऐड में, सुना होगा आपने उस क्रीम का नाम, मींस फेयरनेस क्रीम है या क्या कौन सा क्रीम है उसको लेकर कहा गया था, ये रेशियल मींस स्किन कलर को लेकर ये क्रीम डिस्टिंक्टिवनेस पैदा कर रहा है, दैट्स इट। ये देखिए तो कहीं ना कहीं मुझे तो लग रहा है कि एथिक्स में ये सवाल निकल सकता है, सेलिब्रिटीज के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगना चाहिए, मुझे बताइए क्या आप भी एग्री कर रहे हैं मेरे साथ। सो व्हाई रेगुलेट अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, रिसर्च शोज दैट एनर्जी डेंस अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स आर डिजाइन टू बी एडिक्टिव विच मेक्स कंज्यूमर्स ईट मोर एंड गेन वेट, बिस्किट खाओ वजन बढ़ाओ, बिस्किट खाओ आलस में सो जाओ, यही कंसेप्ट रहेगा। अ हेल्थ मिनिस्ट्री सर्वे फाउंड दैट 1 in 10 स्कूल गोइंग चिल्ड्रन आर प्री डायबिटिक, ये देखिए, वेल 1 in 20 हैड हाइपरटेंशन, क्या दिक्कत देख रहे हैं। अनदर स्टडी फाउंड दैट 95% ऑफ पैकेज फूड आइटम्स एक्सीड सॉल्ट शुगर और फैट थ्रेशोल्ड, ये देखिए 95%, और लिखा क्या होता है मैं बता दूं आपको, लिखा क्या होता है उसमें, कंटेन्स एडेड फ्लेवर्स, कंटेन्स सॉल्ट एंड परमिटेड सॉल्ट एंड शुगर्स एडेड, ये लिखा रहता है ना, कितना चीनी है। एक फेमस चॉकलेट है जो पहले 30 रुपए का आ रहा था, 45 रुपए का आ रहा है, उसमें तो चीनी का कंपोनेंट देखिएगा 40 ग्राम है, 8 चम्मच चीनी एक साथ उस चॉकलेट में खा रहे हैं आप, फिर आप कह रहे हैं यार इतना चीनी यार, मीन्स आगे 10 साल खाते रहे डायबिटीज कैसे हो गया, अरे 8 8 चम्मच चीनी ऐसे आप जैसे निकाल कर शीशी से खाते वैसे ही आप एक चॉकलेट में खा रहे हैं, सोचिए इमेजिन द कंडीशन, दैट्स इट। सो इंडिया में क्या कोई रेगुलेशंस है, इंडिया में कोई रेगुलेशंस नहीं है, सब ड्राफ्ट पॉलिसीज है, ये देखिए ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, अभी सब कुछ फाइल के नीचे दबा पड़ा है, कौन कर रहा है, FSSAI, देखिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनफैक्ट इसे बनाया गया 2011 में, उसके पहले ये था भी नहीं, और अभी तक इंडिया हैज नो लॉज टू रेगुलेट मार्केटिंग ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स टू चिल्ड्रन एक्सेप्ट अ बैन ऑन सेल ऑफ जंक फूड इन एंड अराउंड स्कूल्स, बिल्कुल नहीं है कोई भी नियम कानून, क्या जरूरत है क्या नीड है मुझे बताइए, क्योंकि बच्चों में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बढ़ रही हैं, ये देखिए सोचिए दैट्स इट। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, यहां से दो सवाल मेंस में, एक अनएथिकल बिहेवियर बाय द सेलिब्रिटीज, यस बिकॉज पीपल सी देम एज रोल मॉडल्स, अब लोगों को लग रहा है कि वो बिस्किट खा के बॉडी बनाया है ठीक है, या चिप्स खाकर बॉडी बना, चिप्स खाएंगे जिम जाएंगे बॉडी बनाएंगे, झूठ नहीं, बहुत कंप्लायंस की बात छोड़ दिए, नियम ही नहीं है, जरूरत है नियम लाने की, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं और बहुत दिक्कत की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से ये आ सकता है, एग्जामिन द नीड ऑफ रेगुलेटिंग द अल्ट्रा प्रोसेस्ड एंड जंक फूड इन द कंट्री, यस नीड क्या है, जरूरत क्या है ठीक है। नेक्स्ट, बजट लाइकली टू करेक्ट इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है, इस बार का प्रीलिम्स का गारंटीड सवाल मैं अभी पुटअप कर रहा हूँ, मैंने ऐसे ही लास्ट ईयर ग्रीन वॉशिंग पे गारंटीड क्वेश्चन कहा था कि ये आएगा और आया था, तो इसे नोट कर लीजिए, इट्स अ गारंटीड क्वेश्चन दिस ईयर इन द प्रीलिम्स, इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, इसका मतलब क्या होता है, जब ड्यूटीज एंड टैक्सेस आर मोर ऑन रॉ मटेरियल्स ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है ऑन रॉ मटेरियल्स, देन द ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन द फिनिश्ड गुड्स, ये देखिए तो इसे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कहते हैं, ये देखिए जैसे इन्वर्टेड पिरामिड आपने सुना होगा कंसेप्ट, कहाँ पर सुना होगा, इन दिस इन द कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, ठीक है तो ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर रॉ मटेरियल्स और फिनिश्ड गुड्स के ऊपर, यही वजह स्टूडेंट्स पता है इससे क्या होता है, घाटा क्या होता है कस्टम ड्यूटीज में, ये देखिए
ड्यूटी या टैक्स फिनिश्ड गुड्स पे कम है, तो कंपनीज प्रेफर इंपोर्टिंग दिस रैदर देन रॉ मटेरियल्स। डू यू एग्री? मुझे बताइए, ये देखिए। और यही वजह स्टूडेंट्स, यही वजह है कि इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट राइज कर गया है, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट, अगर मुझे ये मालूम चलेगा कि रॉ मटेरियल पर ज्यादा है ड्यूटीज, ठीक है, एंड दिस फिनिश गुड्स पर ड्यूटी कम है, तो मैं फिनिश गुड्स ही मंगाऊंगा ना बाहर से, मुझे बताइए। नहीं, दैट्स इट। इसी वजह से इंडिया, वन ऑफ द फैक्टर्स व्हाई करंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ इंडिया इज राइजिंग अप, ये देखिए। और ये जोड़िएगा, क्योंकि ये सवाल एक्सपेक्टेड है यूपीएससी मेंस में दिस ईयर इन 2023, दैट व्हाई, व्हाट आर द रीजंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट। वो चाइना का तो रहेगा ही कंसेप्ट, लेकिन साथ में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, ये देखिए, ये देखिए, इसे ठीक करना जरूरी है, और इसे ठीक नहीं किया गया, ठीक है, गेट द पॉइंट, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, द इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वेयर इनपुट्स और रॉ मटेरियल्स आर टैक्स एट हायर रेट्स एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हर्ट्स द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरर्स स्पेशली टेक्सटाइल्स एंड अपैरल्स। ये देखिए, दिस मेक्स एन इंडियन मेड प्रोडक्ट मोर एक्सपेंसिव देन एन इम्पोर्टेड फिनिश्ड प्रोडक्ट। ये देखिए लिखा हुआ है, टेक्सटाइल्स में स्पेशली ये देखा जा रहा है, और यही वजह है कि मेड इन इंडिया ज़्यादा, जैसे वो प्रोडक्ट ज़्यादा महंगा बिक रहा है, और बांग्लादेश या इंडोनेशिया से मंगाया गया टेक्सटाइल सस्ता बिक रहा है। दैट्स इट। आइए आगे बढ़ जाएं स्टूडेंट्स। ये देखिए, आपने ये न्यूज़ पढ़ा होगा, ये लास्ट, ये 2 दिन पहले मैंने डिस्कस, मैंने पुटअप किया था कि मैं डिस्कस करूंगा, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो 2001 में बनाया गया था अंडर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, उसने नए नॉर्म्स जारी किए सीलिंग फैंस के लिए। 8 से 20% सीलिंग फैंस का कॉस्ट पड़ जाएगा, क्योंकि इसमें 5 स्टार रेटिंग, ये देखिए, स्टार रेटिंग सिस्टम और भी एफिशिएंट किया जा रहा है, ये देखिए। और 5 स्टार रेटिंग सिस्टम में तो जो 5 स्टार फैंस होंगे, जो एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे, वो 50% दाम बढ़ेगा उसका। आज 1500 रुपये है, तो कम से कम 2250 का हो जाएगा 2 महीने के अंदर। मोराल यही है, पंखा खरीदना अभी जाए खरीद लीजिए, दैट्स इट। सो दिस इज इट, ये देख सकते हैं आप, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी आ सकता है स्टूडेंट्स, इवन इसके तहत एक मीन्स इसको एक दिया गया है, एक बहुत बड़ा रोल इन नेशनल मिशन फॉर एनहैंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, सब मिशन अंडर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। सुना है आपने NAPCC के बारे में, इसमें 8 मिशन्स थे, उसमें एनर्जी एफिशिएंसी पर भी एक मिशन था, ये देखिए, दैट्स इट। तो पंखा का दाम बढ़ने वाला, पंखा जाकर खरीद लीजिए, किसी का भी पंखा खरीदते हो, ठीक है। सो दैट्स इट अबाउट द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी नॉर्म्स, आपने आज पढ़ा स्टूडेंट्स, स्टार रेटिंग सिस्टम, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, साथ में आपने पढ़ा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, उसके पहले आपने पढ़ा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स एंड FSSAI एंड इंडिया में लैक ऑफ एनी रेगुलेशंस, उसके पहले आपने पढ़ा स्टूडेंट्स नोटैम क्या है, एंड साथ में इंडिया साउथ ईस्ट एशिया इंडिया आसियान रिलेशंस, ट्राइलैटरल ट्रांसमिशन लाइन अलॉन्ग विथ ट्राइलैटरल हाईवे, उसके अलावा ये देखिए इंडिया रिवर्स गेम खेल रहा है, यहाँ पर रिवर्स स्विंग हो गया US के साथ में, देखिए यहाँ पर, और यूरोपियन यूनियन के साथ में, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा आपने देखा पेरू में दिक्कत की बात है, पेरू बोलीविया बॉर्डर लेक टिटिका का आपने पढ़ा स्टूडेंट्स, उसके पहले इंटरस्टेट रिलेशंस में दिक्कतें, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में यही एक राज्य रह गए थे, यहाँ भी दिक्कत ही दिक्कत, ये देख सकते हैं आप। इसके अलावा आपने पढ़ा दिस रेयर अर्थ एंड मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप MSP, उसके पहले स्टूडेंट्स स्वीडन में रेयर अर्थ के बारे में, रेयर अर्थ के डिपॉजिट्स पाए गए हैं सबसे बड़े यूरोप के, उसके पहले किगाली अग्रीमेंट, ओजोन होल, और उसके पहले स्टूडेंट्स इन शख्सियत पे आपने फोकस किया। इन शख्सियत का मतलब मैं इन शख्सियत की बात कर रहा हूँ जो बाएं हाथ में दिख रहे हैं आपको इस फोटो में, ठीक है ना, इन पर फोकस कीजिए। तो विद दिस, क्योंकि इन्हीं के ऊपर सवाल आएगा यूपीएससी में, नियर थ्रेटेंड IUCN डेजर्ट नेशनल पार्क, ठीक है। तो इसी के साथ आज के लिए सेवा समाप्ति की घोषणा स्टूडेंट्स, धन्यवाद आप सभी लोगों का आने के लिए और सेशन देखने के लिए। दिस आई विल एंड द सेशन, नमस्कार, जय हिंद, एंड मिलते हैं कल की तारीख में 13 और 14 तारीख के सेशंस के साथ में, ठीक है।
मैं 1 घंटे पहले सेशन लिंक शेयर करूंगा। एंड यस, IAS टॉपर्स मंत्रा टेलीग्राम चैनल पर आकर उठा ले जाइए इस सेशन का फ्री PDF। दैट्स इट, IAS टॉपर्स मंत्रा, ये देखिए। किल फार जी ने मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ सवाल पूछे हैं, मुझे पुट अप कर दीजिएगा आज व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पर, मैं कल पक्का डिस्कस करूंगा, ठीक है? नो नीड टू वरी। That's it, students. Take care. I will end the session.